एंटीना। देखिए वी एंटीना क्या होता है, ये एक ऐसा एंटीना होता है जिसकी टू लेग्स होती हैं, ठीक है, लॉन्ग वायर एंटीना होता है और इसकी टू लेग्स होती हैं। जैसे कि इसमें शो किया गया है, एक लेग ये है और दूसरी लेग ये है, तो इसमें क्या है, टू लॉन्ग वायर एंटीना होता है, इसको क्या कहते हैं, दो लेग्स बोलते हैं। ये जो इसको जो अरेंजमेंट होती है ना, ये हॉरिजॉन्टल वी फॉर्म में होती है। तो इसमें क्या है कि जो डायरेक्शंस होते हैं, होते बैकवर्ड डायरेक्शन, ये होती है इसकी बैकवर्ड डायरेक्शन और ये होती है इसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसमें क्या होगा कि एक एपेक्स एंगल बनता है बीच में, कहां पे, यहां पे जो एंगल बनता है ना इसका, ये एपेक्स एंगल होगा और यहां पे इसकी ट्रांसमिशन लाइन जो कि 600 ओम की ट्रांसमिशन लाइन होती है, जिसे कि फीड लाइन बोलते हैं या फीडर लाइन बोलते हैं। ये जो एंगल बनता है इसके दोनों लेग्स के बीच में, देखते हैं, देखिए टू कॉन्स होती हैं, इसके बीच में यहां पे जो एंगल बनेगा वो एपेक्स एंगल होगा और ये होगी इसकी फीड लाइन। इसका शॉर्ट फॉर्म में शॉर्टली बनाया गया है, ये फीड लाइन्स हैं और ये इसका लेग्स हैं, उनके बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल होगा एपेक्स एंगल टू राइट, ठीक है। तो ये जो एंगल होता है दोनों साइड्स के, दोनों लेग्स के बीच में होता है और इसमें ये देखिए दो साइड्स होती हैं इसकी, क्योंकि इसकी वी शेप होती है, तो एक साइड तो हो गई ये वाली और दूसरी साइड हो गई ये वाली। तो इस कोन में जो मैक्सिमम रेडिएशन होगी वो क्या होगी, दोनों वायर्स पे उसके एक्सिस के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है ना, उसकी एक्सिस के अकॉर्डिंग, क्योंकि देखिए ये है इसकी एक्सिस, ये एक वायर है, ये एक वायर है, यहां पे एक एंगल होगा, यहां पे एक एंगल होगा, ये एंगल ट्वाइस हो जाता है। तो इसमें क्या होगा, जो टू कोन्स होते हैं वो एड हो जाते हैं एक डायरेक्शन में, एक लाइन में, ठीक है, और एक एपेक्स एंगल बनाते हैं दोनों लेग्स में, यानी कि इनके बीच में एक जो एंगल बनेगा वो होगा एपेक्स एंगल, जो कि मैक्सिमम लोब ऑफ रेडिएशन को प्रोवाइड करते हैं। इसमें टू वायर्स हैं, टू वायर्स फीड हैं, इसका जो रेडिएशन पैटर्न होगा, देखिए ये है, ये हमारे फीड लाइंस हैं, इनके बीच में ये जो एंगल है ये एपेक्स एंगल है। इसमें जो भी रेडिएशन पैटर्न होता है वो होता है 180 डिग्री के फेज शिफ्ट पे। इसमें क्या होगा, देखिए दोनों लेग का अलग अलग रेडिएशन है, ये एक लेग है उसका रेडिएशन ये ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, इसके अलावा इसमें है ए बी सी डी, ठीक है। टू वायर्स का जो इसका फेस होता है, रेडिएशन पैटर्न होता है 180 डिग्री आउट ऑफ फेस होगा एक दूसरे से, जो कि गेन भी प्रोवाइड करेगा और डायरेक्टिविटी भी प्रोवाइड करेगा। जितनी ज्यादा लेंथ होगी लेग्स की उतने ही ज्यादा डायरेक्टिविटी होगी और गेन होगी। इसको हम कैसे अचीव करते हैं, ठीक है, अब ये देखेंगे। देखिए अब यहाँ पे चार लोब्स हैं, एक लेग पे ए बी सी डी, दूसरी पे ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश। जो भी हमारे ऑपोजिट डायरेक्शन वाली लोब्स होती हैं वो कैंसल आउट हो जाती हैं, उसकी जो ऑपोजिट रेडिएशंस होती हैं लोब्स की दोनों लेग्स के पी की वो कैंसल आउट हो जाती हैं, और जो सिमिलर डायरेक्शन में लोब्स होती हैं वो एड हो जाती हैं। कैसे, देखिए ये और ये दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, जो एक स्लीपिंग वे में बोल सकते हैं, तो वो क्या है, ये और ये ऐड हो जाएगी, यानी कि डी डी डैश ऐड हो जाएगी, बी बी डैश ऐड हो जाएगी, और जो ऑपोजिट डायरेक्शन की है ए सी ए डैश सी डैश, ये क्या हो जाएगी, कैंसल आउट हो जाएगी, कैंसल आउट हो जाती हैं दोनों लेग्स पे, जिसकी वजह से एक बाई डायरेक्शनल पैटर्न बनता है। ये जो पैटर्न है देखिए, लॉब डी प्लस डी डैश ऐड हो गई है, बी प्लस बी डैश ऐड हो गई है, तो ये जो है ये एक बाई डायरेक्शनल रेडिएशन पैटर्न बनेगा इसका,
डायरेक्शनल पैटर्न जो होगा, बाय डायरेक्शनल पैटर्न, जिसमें डी डी डैश बी बी डैश एड अप हो गई हैं, सी सी डैश और ए ए डैश कैंसल हो गई हैं। इसके अलावा इसका जो पैटर्न है वो यूनिडायरेक्शनल भी बन सकता है। देखिए इसका जो पैटर्न है वो यूनिडायरेक्शनल कैसे बनेगा, क्या होगा कि जो लेंथ होती है इसमें जो गेन अचीव किया जाता है वी एंटीना से, जो जितना भी गेन आएगा वो क्या होगा, वो ट्वाइस होता है, डबल होता है सिंगल लोब वायर एंटीना के कंपैरिजन में, क्योंकि टू लेग्स होते हैं, दोनों का अलग अलग पैटर्न होता है, दोनों एड अप होते हैं, इस कारण वो ट्वाइस हो जाता है, जिसकी वजह से जो लेंथ होगी वो किसके इक्वल होगी, लेंथ ऑफ वी एंटीना की। अब यहाँ पे अगर यूनिडायरेक्शनल रेडिएशन पैटर्न की बात करें तो इसमें दो लोब्स आएंगे, ए और बी, दूसरी साइड पे भी ए और बी, जो सेम डायरेक्शन की लोब्स होंगी स्लीपिंग, यानी कि बी वाली और ए वाली, ये तो एड अप हो जाएगी और ये वाली कैंसल आउट हो जाएंगी, तो जो लोब्स बनेगी बी प्लस ए बनेगा। तो ये एक ही डायरेक्शन, ये यूनिडायरेक्शनल पैटर्न होता है। अगर इसमें हम चाहते हैं कि हमारे पास 12 dB गेन आए तो हमें क्या करना पड़ता है, लैम्डा अपॉन 2 डायपोल का यूज करते हैं, जिसमें जो दोनों लेग्स होती हैं, हर एक लेग कितने की, 8 लैम्डा की होनी चाहिए, 8 लैम्डा मीन्स 16 × λ/2 की, यानी कि 8 लैम्डा की होनी चाहिए हर एक लेंथ, दोनों लेंथ एक 8 लैम्डा, दूसरी भी 8 लैम्डा की, ठीक है। और इसमें जो वेरिएशन होती है वो 36 डिग्री से 72 डिग्री होती है वी एंटीना स्ट्रक्चर के केस में, 8 लैम्डा से 2 लैम्डा लॉन्ग होती है जो कि, और जो वी एंटीना होगा इसमें एक वाइड रेंज पे ये ऑपरेट करता है, इसमें एक एपेक्स एंगल होता है, एवरेज होती है किसमें, ऑप्टिमम जो होती है हाई एंड लो फ्रीक्वेंसी में, ये क्या नंबर ऑफ लैम्डा अपॉन 2 होता है हर एक लेग के पास। इसके अलावा जो डायरेक्टिविटी होती है वर्टिकल प्लेन की, उसको हम अचीव कर सकते हैं। डायरेक्टिविटी को हम अचीव करने के लिए क्या करते हैं, हम डबल वी एंटीना का यूज करते हैं, ठीक है ना। डबल वी एंटीना मतलब कि दो या दो से ज्यादा वी एंटीना को हम क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्टैक कर देते हैं, एक दूसरे के ऊपर लगा देते हैं, ऐसे कि ये पहले एक फिर सेम दूसरा, तो इससे क्या होगा, जो डायरेक्टिविटी होती है एंटीना की वो इंक्रीज हो जाती है। और इसमें वी एंटीना जो होगा ये मल्टी बैंड ऑपरेशन प्रोवाइड करता है, और ये क्या होता है कि जो ट्यून्ड फीडर होते हैं उसके लिए बहुत कन्वीनियंटली वर्क करता है। ये अगर कोई हम नॉन रेजोनेंट लाइन की बात कर रहे हैं तो जो नॉन रेजोनेंट लाइन होगी उसका यूज किया जाता है, जो कि अच्छा मैचिंग सिस्टम प्रोवाइड करती है, जिसमें यूज होता है लैम्डा अपॉन 4 मैचिंग सेक्शन का, या फिर 4 लैम्डा अपॉन 4 मैचिंग स्टब का यूज होता है। अब ये हमारा वी एंटीना होता है, जो रेजोनेंट होता है वी एंटीना का वो क्या होगा, रेजोनेंट वो ट्रांसमिशन और रिसीवर एंटीना के लिए एक बहुत ही सस्ती फॉर्म है, सबसे चीपेस्ट फॉर्म है। ये करती है, ये लो एंगल बीम को प्रोवाइड करती है एक फिक्स फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन के लिए, किस पे, हाई फ्रीक्वेंसी बैंड पे। और ये जो सेक्शन का है इसका कुछ पर्टिकुलर ड्रॉबैक्स भी होते हैं। इसके ड्रॉबैक्स क्या होते हैं, देखिए इस एंटीना में हमने दो तरह की रेडिएशन पैटर्न किए हैं, यूनिडायरेक्शनल भी किया है बाय डायरेक्शनल भी किया है, लेकिन जो वी एंटीना होगा इसमें कुछ माइनर लोब्स होती हैं, और ये जो माइनर लोब्स बनती हैं वी एंटीना में, ये लोब्स बहुत
ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, स्ट्रॉन्ग माइनर लॉब्स होती हैं, और इसे ही वी एंटीना कहा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।